दोस्तों ये मेरे जैसे हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हैं? और सुबह सुबह बन रही है नाश्ता और ये हो रहा है नाश्ते की तैयारी। और मैं बना रही हूँ ये पालक की सब्जी यानी कि पालक की भुजिया। तो मैंने इसे काट लिया है और इसको हम तड़का लगा देंगे और इसको चढ़ा देंगे, क्योंकि मेरे यहाँ ज़्यादातर सुबह सुबह हरी सब्जी ही बनती है। तो ये मैंने बना ली है और बहुत ही यम्मी लगती है वैसे हरी सब्जियाँ। सर्दियों में जो है ना वो हरी सब्जियाँ बहुत ही अच्छी लगती हैं। और साथ में बनाए मैंने पराठे, हरी सब्जी के साथ पराठे जो है वो टेस्टी लगते हैं। तो नाश्ता बनके हो चुका है रेडी और ये तैयार हो चुकी है हमारे पति जी की प्लेट। तो आप लोग भी आ जाइए। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है ट्यूसडे और टाइम हो रहा है 11:30। आज मैं बहुत जल्दी फ्री हो गई हूँ अपने काम से। कुछ काम छोड़ दिए हैं क्योंकि कभी कभी छोड़ भी देने चाहिए, सारा दिन काम में लगे रहे क्या। तो मैंने थोड़े काम छोड़ दिए हैं इसलिए मैं आज जल्दी से हो गई हूँ फ्री और सोचा चलिए आपसे बात भी करते हैं और अपनी व्लॉगिंग भी स्टार्ट करते हैं। और आप लोग सब कैसे हैं? अभी चल रही है करवा चौथ की, मतलब कि धूम मची हुई है मार्केट में। तो शाम को जाएंगे करवा चौथ की मार्केट देख कर आएंगे क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नया आया है। और फाइनली जो हमारा वॉलपेपर ऑर्डर किया था वो भी आ चुका है। तो आज जो है हमारे हॉल का वॉलपेपर भी लग जाएगा जो कि बहुत ही दिनों से पेंडिंग था। सिर्फ एक यही काम रह गया था जो पेंडिंग था, जो ऑर्डर दिया था वो भी आ नहीं रहा था। तो फाइनली वो भी आ गया है तो वो भी लगेगा। तो फाइनली आज लग जाएगा और आज सारा काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर दिखाएंगे आपको वॉलपेपर कैसा है। तो चलिए अभी सोचा व्लॉग भी स्टार्ट करते हैं और फिर कुछ तो काम लगा ही रहेगा। बेशक जल्दी फ्री हो गए लेकिन फिर भी दिमाग के अंदर जो है वो कुछ काम तो चलता ही रहेगा। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर तक। और यहाँ धुले हुए हैं बहुत सारे कपड़े जो मैंने अभी धोए हैं। सारा दिन बस घर का यही काम चलता है। और गाइस धूप जो है ना वो अब सर्दियों वाली हो गई है, बिल्कुल सर्दियों टाइप वाली धूप निकली हुई है, अच्छी लग रही है। और सामने पहाड़ देखिए, एकदम धूप निकली हुई है सर्दियों वाली। मैं ये देखो आज हमारे जेठानी जी हमारे घर आए, हेलो कर दो भाई। सो फाइनली हॉल में वॉलपेपर लगना शुरू हो चुका है और ये आ गया था तो यहाँ पे काम स्टार्ट हो चुका है। और उसके बाद मैं शाम को गई मार्केट करवा चौथ की रौनक देखने और साथ में आप लोगों को भी दिखाने। खूब सारी रौनक लगी हुई थी, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। और चारों तरफ चूड़ियाँ बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने भी खरीदी है चूड़ियाँ, आपको आगे ज़रूर दिखाऊँगी। ये 30 है, 30 रुपए दर्जन है। Oh
हाउस फुल चल रहा है करवा चौथ का, पूरी पुलिस ही पुलिस हो रखी है। गाइस हम आए हैं करवा चौथ की रौनक देखने के लिए और आप लोगों को भी दिखाने के लिए। देख लीजिए पूरा हाउस फुल चल रहा है, पूरा रश हो रखा है। चलिए आपको भी दिखाते हैं रौनक यहाँ की। पूरी मार्केट जो है वो बहुत ही अच्छी डेकोरेट हो रखी थी, बहुत अच्छी सज रखी थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था और मज़ा भी आ रहा था। तो कुछ 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 छोटा मोटा सामान हमने भी ख़रीदा। और यहाँ लगे हुए हैं मेहंदी के टेंट, क्योंकि मेहंदी तो कंपलसरी है, तो बहुत रश हो रहा था मेहंदी वाली जगह पे भी। अभी स्टार्ट हुआ है आना, कुछ लोगों को फ्री होके आए हैं। तो ये देख लीजिए यहाँ पर लग रही है मेहंदी और बहुत ही अच्छे डिज़ाइन लग रहे थे। ये देख लीजिए कितना प्यारा डिज़ाइन लगाया है यहाँ पर और कितना सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छी लग रही है मेहंदी। वैसे भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरा भी मन कर रहा था लगाने का लेकिन मुझे घर पे काम करना था आकर, तो इसलिए मैंने नहीं लगाई। सो डिज़ाइन कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं और चारों तरफ मेहंदी ही मेहंदी लग रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था और कितना प्यारा डिज़ाइन लग रहा है ना। तो आप लोगों को कैसी लग रही है वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कैसी लग रही है यहाँ की रौनक वो भी बताइएगा। तो देख लीजिए कितने अच्छे और पूरी रात जो है मेहंदी ही चली है और यहाँ मिल रहा है करवा चौथ का सामान, जिससे करवा चौथ की थाली जो कि स्पेशल होती है तो बहुत ही सुंदर सुंदर थी। तो अब हम पूरा अच्छे से घूम लिए थे, उसके बाद बहुत रश हो रहा था मार्केट में, तो अच्छे से घूम लिए और फिर चल रहे हैं हम घर वापस। और यहाँ पर भी लगी हुई थी सेल, वैसे भी फेस्टिवल का टाइम आ गया है, दिवाली का टाइम है तो हर जगह सेल ही नज़र आएगी। गाइस मैं लाई थी ये वाली चूड़ियाँ, देख लीजिए कैसी लग रही है। तो मैंने भी करवा चौथ पे शॉपिंग जो है वो चूड़ियों की कर ली है, तो कैसी लग रही है आपको। सो गाइज़ मैंने आपको डाल के भी दिखा दी है, तो कैसी लग रही है ज़रूर बताइए कमेंट करके। और मुझे ये बहुत प्यारी लग रही थी रात को, अभी भी अच्छी लग रही है। तो मेरी थी ये वाली शॉपिंग और छोटी मोटी। मैं आ चुकी हूँ घर वापस मार्केट घूम के और साथ में आप लोगों को भी अच्छे से घुमा के करवा चौथ की पूरी रौनक देख के। और मैं आई हूँ वापस, अब टाइम हो रहा है आठ बज रहे हैं, 8 बज चुके हैं और बहुत ही रौनक लगी हुई है मार्केट में, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ज़्यादा रश भी हो रखा है। फुल फेस्टिवल्स की जो है वो रौनक लगी हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए करते हैं हमने व्लॉग की एंडिंग भी। और ये था मेरा आज करवा चौथ की घूमने का छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और फ्रेंड्स बाहर मौसम जो है वो अब काफ़ी ठंडा हो गया है और ठंड सी लग रही है, अभी एक्टिवा पे आते हुए ठंड भी लग रही थी, तो मौसम ठंडा हो गया है। और आप रखिए अपना ख्याल क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो सबकी तबीयत भी ख़राब होती जा रही है। नए व्लॉग में और नए दिन के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल और साथ में रखिए अपने पेरेंट्स का भी ख्याल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।